हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है ज्ञान क्विज 4 के कुछ क्वेश्चंस पे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे हमारे चैनल पे, तो मैं उसी को इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पाम ऑयल से रिलेटेड था कि ये जो ऑयल सीड्स है हमारा, वो किस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप सभी जानते हैं, येलो रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार काफ़ी इजी क्वेश्चन आई थिंक आया है, और जो स्टेटमेंट वाला है वो भी काफ़ी इजी ही था, उसे भी मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो फिलहाल जो ईजी क्वेश्चन है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि यूनियन मिनिस्टर्स जो भी हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या पंचायती राज, या एजुकेशन मिनिस्टर्स, उन सब का डायरेक्ट नेम पूछ लिया गया था। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कौन हैं, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, और पंचायती राज के गिरिराज सिंह। तो ये सब क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैस वॉज ये जो है डैस ऑफ एडिबल ऑयल्स कंज्यूम्ड इन द कंट्रीज मेड थ्रू इम्पोर्ट्स, आउट ऑफ विच डैस इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया, यानी कि हमारे कंट्री में कितना परसेंट जो है इम्पोर्ट किया जाता है एडिबल ऑयल्स, और उसमें से कितना कंज्यूम किया जाता है हमारा एडिबल ऑयल, जो कि जिसमें से कि कितना परसेंट यहाँ पे ऑप्शन परसेंट में था। आप लोगों ने अगर PDF पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो कितना है जो इंडोनेशिया और मलेशिया से ही सिर्फ मंगवाया जाता है। तो 60% जो एडिबल ऑयल्स हैं वो हमारे कंट्री में इंपोर्ट किया जाता है, जिसका कि 54% जो है वो सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया से ही मंगवाया जाता है। तो ऑप्शन में इसका अलग अलग तरीके से था ऑप्शन, जैसे कि 62, 51, 60, 54, जो कि इसका राइट आंसर है, इस तरह से पैटर्न में दिया हुआ था। नेक्स्ट है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम मैपिंग वुड बी यूजफुल इन, इसका बेनिफिट्स दिया हुआ था एक चार ऑप्शन करके, और उसमें आपको बताना था कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है उसका यूज़ क्या है, उसका बेनिफिट्स कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि था डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, लैंड रिकॉर्ड में, इस तरह करके चार ऑप्शंस थे। और ऑप्शन को किस तरीके से लिखा गया था कि इनमें से कौन से जो हैं ऑप्शन वो सही हैं, जैसे कि 1, 2 सही है, या 2, 3, 4 सही है, या फिर नन, इस तरह से था। तो आपको सही चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज़ कंडक्टिंग प्रोग्राम ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, नेमली बोल रहा है कि मिनिस्ट्री जो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, उसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, उसका नाम क्या था। तो ये तो सभी को पता होगा, ये भी वन लाइनर टाइप है, न्यू फ्रंटियर्स। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस ही दिए गए थे। डैस इज एसोसिएटेड विद डैस विल बी होस्टिंग द फर्स्ट एवर ओपन टू ऑल हैकाथॉन इवेंट, यानी कि ये जो ओपन हैकाथॉन इवेंट होने वाला है उस कौन होस्ट कर रहा है और उसका एसोसिएशन किसके साथ है। तो इसका आंसर क्या होगा, नीति आयोग, और एसोसिएशन इसका किसके साथ था, तो फ़ोन पे के साथ। तो इस तरह से करके ऑप्शन में था, नीति आयोग, फ़ोन पे, या फिर नीति आयोग, पेटीएम, इस तरह से करके इसका ऑप्शन दिया होता, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, यानी कि धर्म की आज़ादी, कि हम किसी भी धर्म को फॉलो करें, इस बात की आज़ादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल में दिया गया है। तो आंसर आपका था 25, आर्टिकल 25, 26, 27, ये 28, तो इसका सही आंसर है 25। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, ट्रिब्यूनल्स जो है वो
किस पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट का हिस्सा है और कितने नंबर अमेंडमेंट में उसे अमेंड किया गया है, यानी सुधार किया गया है। तो ये था हमारा पार्ट 14। पार्ट 14A का ये हिस्सा है और 42 42वां अमेंडमेंट में से अमेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड स्टेटमेंट। इसमें जो दिया गया था अलग अलग तरह के हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, तो उन्हीं में से एक स्टेटमेंट जो दिया गया था वो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड था। और इसमें आपका पूछ लिया गया था कि उनमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाई 2030 ये टारगेट था, तो ये सही है। और भी दो तीन ऑप्शंस होंगे, मुझे जो मिला मैंने वही इंक्लूड किया इसमें। और इसे लॉन्च किया गया था 26 जनवरी 2021 था, तो ये भी रॉन्ग है, बल्कि इसे लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 में। तो आप देख लीजिए किस तरह के पैटर्न जो है वो एग्ज़ाम में फॉलो किए जा रहे हैं, और इसके हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। और ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रिपेयर किया था मॉक टेस्ट के लिए, पर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं नहीं कर पाई। तो अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।